हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। युवराज सिंह ने रोहित को एक बार डराया और बस में अपनी सीट से उठने तक को कहा। इस बात का खुलासा खुद हिटमैन रोहित शर्मा ने किया। एक कार्यक्रम में इस किस्से को याद करते हुए रोहित ने कहा, मैं टीम में नया था और 2007 में पहली बार टीम के साथ विदेशी दौरे पर गया। सीनियर खिलाड़ियों के बीच में घबराया सा रहता था। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी व कप्तानी करने वाले रोहित शर्मा के बारे में एक बड़ा राज खुला है। पता चला है कि जब रोहित टीम इंडिया में नए थे और पहली बार विदेशी दौरे पर गए, तब युवराज सिंह ने उनसे बात तक नहीं की। 30 वर्षीय रोहित ने आगे कहा, एक बार हमें बस पकड़ना थी तो मैं करीब एक घंटा पहले होटल की लॉबी में पहुंच गया। बस के आते ही मैं अंदर जाकर एक सीट पर बैठ गया। मेरे पीछे युवराज आए और मुझसे कहा, तुम जानते हो इस सीट पर कौन बैठता है? ये मेरी सीट है, तुम यहाँ से उठो और किसी दूसरी सीट पर जाकर बैठो। युवराज का रवैया देखकर रोहित हैरान थे। युवी के साथ रोहित का पहला अनुभव अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा, वे पूरे दौरे पर मुझसे बात तक नहीं करते थे। एक बार जब वे मैन ऑफ द मैच बने तो मैंने उत्साह के साथ उन्हें बधाई दी। इस पर भी उन्होंने सिर्फ थैंक्स कहकर औपचारिकता निभाई। मगर जब उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया तो बहुत खुश थे। तब वे मेरे पास आए और मुझे बाहर डिनर पर ले गए। आप उस्तरों पर सपाचे। उल्लेखनीय है कि अब रोहित और युवराज में अच्छी दोस्ती है। रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में संपन्न वन डे सीरीज में रिकॉर्ड 3रा दोहरा शतक जड़ा। फिर टी20 इंटरनेशनल सीरीज में उन्होंने सबसे तेज शतक ठोकने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। युवराज अभी टीम इंडिया में वापसी की कोशिशों में जुटे हैं।